بسم الله الرحمن الرحيم نستعين عن نوفل بن أبي أقرب قال قيل لعائشة رضي الله عنها أكان يتسامع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر قالت كان أبغض الحديث إليه حضرت عائشة رضي الله تعالى अनहा से नौफल बिन अबू अकरब ने सवाल किया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शेर व शायरी की जाती थी या क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शेर सुने जाते थे। तो अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा ने फरमाया कि शेर आपके नज़दीक, शेर व शायरी आपके नज़दीक यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ थी। इस सिलसिला अहादीस सहीहा की हदीस नंबर 3095 है। इसी तरह से इमाम बैहक़ी ने और इब्ने अबी शैबा और इमाम अहमद ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। शेर व शायरी इसकी दो किस्में होती हैं, एक जायज हदूद में रहकर अच्छी शायरी करना और एक होता है बेहुदा शायरी, शिरकिया कलाम। वैसे तो देखा जाए तो शायर आम तौर से शेर व शायरी में ज़मीन व आसमान को एक करता है और अटकल पच्छो हाँकता है। कुरान ने खुद कहा सूरत शुअरा, शायरों के नाम से एक सूरा है, शायर की जमा उसकी प्लूरल है शुअरा, तो सूरत शुअरा एक है। उसमें अल्लाह ताला ने शुअरा के ताल्लुक से, शायरों के ताल्लुक से फरमाया अश्शुअरा व यत्तबिउहुमुल गाऊन फी कुल्ली वादी यहीमून, शुअरा बेहुदा लोग ही उनके पीछे पड़ते हैं और ये लोग हर यहाँ वहाँ पर टामुक टोया खाते हैं, अटकल पच्छो हाँकते हैं और खाम ख्याली की बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमल के और काम के कुछ नहीं है। ये अपनी जगह पर है। लेकिन अगर किसी भी जबान व अदब की बात करें, किसी भी ज़बान व अदब की बात करें तो उसके लिए शेर व शायरी रीढ़ की हड्डी है। शेर व शायरी रीढ़ की हड्डी है। चाहे अरबी ज़बान की बात करें, अरबी ज़बान व ग्रामर में ऑथेंटिक और रेफरेंस के तौर पर ग्रामर में जो शेर व शायरी मानी जाती है वह है ज़माने जाहिलियत की शेर व शायरी। इस्लाम के आने से पहले यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के से पहले के जो शुअरा हैं उनकी शायरी से दलील ली जाती है। नबी जिस वक्त नबी बन के आए उस वक्त का सबसे बड़ा मौजज़ा, उस वक्त का सबसे पावरफुल हथियार, उस वक्त का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव या मुअस्सिर जो मीडिया था वो है शेर व शायरी, होती शेर व शायरी। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ऐसा कलाम दिया वो है कुरान, जो शायरों को दंग कर दिया। शुअरा फुसाहा बुलागा परेशान हो गए, हम तो बड़े बड़े कलाम दान हैं, बड़े बड़े शायर हैं, अच्छे बड़ी बड़ी शायरी करते हैं, लेकिन ये कलाम तो ना शायरी है ना नसर है ना नज़म है, क्या है? वो लोग मबहूत होकर रह गए, परेशान होकर रह गए और सारे शुअरा फुसाहा बुलागा उदाबा को ढेर कर दिया अल्लाह के कलाम ने। गर्ज ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि मुशायरे की महफिल मुनाकिद होती थी और जिसकी शेर व शायरी सबसे अच्छी होती थी उसको सुनहरे अल्फाज में लिखकर काबे में लटकाते थे जमाने जाहिलियत में। और ये चैलेंज होता था एक साल तक, आइंदा हज के सीजन तक ये लटका रहेगा
कोई मैकलल आए और इसके कलाम में गलती निकाल के दिखाएं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या अदब और लिटरेचर के मिस्टेक हो, हकायक के एतबार से हो, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे शेर व शायरी गोया के अरबी जबान की गोया के जान है। उर्दू जबान की बात करें, किसी भी जबान की बात करें, शेर व शायरी अदब और जबान की रीढ़ की हड्डी है और जान है। लेकिन अदबी जबान में जो शेर व शायरी की जाती है, ये बेहुदगी की पुलिंदा है, पूरी तरह से बेहयाइयत और बेहुदगी, शिरकिया कलाम से भरमार है ये। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उनको पसंद नहीं किया। लेकिन वो शेर व शायरी जिनके जरिए से अल्लाह की तारीफ हो, नबी के बारे में नात गोई हो और इस्लाम के अच्छा प्रचार हो, तो जाहिर सी बात है इसके जरिए से फायदा भी होता है। ज़माने जाहिलियत के दो शुअरा हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक शायरा खनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरह से ज़माने जाहिलियत के एक बहुत बड़ा शायर था लबीद, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद शेर व शायरी छोड़ दी और कुरान याद कर लिया, कुरान याद कर लिया। लेकिन उस जमाने में दुश्मन को जवाब देने के लिए और जंग के मैदान में मुजाहिदीन को जोश दिलाने के लिए शेर व शायरी की जाती थी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, कुफार को उनके उनकी जबान में, उनके अल्फाज में, उनके जरिए से जवाब देना है। अब्दुल्ला बिन रवाहा बहुत बड़े शायर थे, सहाबी रसूल हैं, और इसी तरह से हसन बिन साबित सबसे बड़े, इस्लाम के सबसे बड़े शायर हैं हसन बिन साबित। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हसन चलो शेर कहो, शेर कहो, रूहुल कुदस तुम्हारी मदद करेगा, रूहुल कुदस तुम्हारी मदद करेगा। कुफार व मुशरिकीन इस्लाम और नबी के खिलाफ शेर व शायरी के जरिए से जो बाजार गर्म किए हुए थे, हसन बिन साबित ने उनके अल्फाज में उनको जवाब दिया और कहा कि वाकई माने में हसन बिन साबित ने इस्लाम का नबी का हक अदा किया है। खनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी शायरा थी, बहुत बड़ी शायरा थी, और वही खनसा है जिनके तीन तीन बेटे, बल्कि चार चार बेटे एक गजबे में, एक जंग में, जंग में शहीद हो गए थे। हाँ, चार चार बेटे, और वो पूछ रहे थे कि नबी का हाल क्या है, आपने वाकया सुना होगा, नबी का हाल क्या, नबी का हाल क्या है, और वो बेहतरीन शेर व शायरी करती थी। तो इस तरह से नबी ने खुद शेर व शायरी के बारे में तरगीब भी दी, ताइद भी की है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जमाने जाहिलियत के एक बहुत बड़े शायर, जिनको शायर उल हिकमा, हिकमत का शायर कहा जाता है, गर्चे जमाने जाहिलियत का था, नबी का जमाना नहीं मिला, नबी के नबी बनने से पहले ही इंतकाल कर गया, उनका नाम है अमर बिन अबी सलमा। अमर बिन अबी सलमा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके खानदान के लोगों से कहते थे कि तुम अमर बिन अबी सलमा के शेर व शायरी मुझे सुनाया करो, वो बेहतरीन शायरी करते थे, बेहतरीन शायरी करते थे। गर्ज जहाँ अच्छी बातें भी हैं, इसमें बुराइयाँ भी हैं, लेकिन शेर व शायरी में बुराइयाँ और बेहुदा कलाम, शिरकिया बातें ज़्यादा होती है। इसीलिए सबसे बड़ा शायर अरबी का, सबसे बड़ा शायर इमरुल कैस हैं, इमरुल कैस। नबी ने फरमाया शेर व शायरी का भी वो लीडर हैं और जहन्नमियों का भी लीडर होगा, क्योंकि इतने बेहुदगी है उसके शेर व शायरी में। अल्लाह के हिफ्ज़ अमान। बहरहाल ये दो तरह के बातें हैं, शेर व शायरी अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं थी, क्यों, जिसके इसमें इश्किया गज़लें और शिरकिया बेहुदा बातें इसमें होती है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया। लेकिन जो सुलझे हुए अच्छे अशआर हुए, उनको कहने में, बयान करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको किया और कुफ्रिया और बेहुदा बातों से महफूज रखें। आमीन। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।